हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हम सबकी रसोई विद बबीता। आज मैं आपके साथ शाम के स्नैक्स में बनाने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े और चाय। बिल्कुल समय इस समय मार्केट में ताज़ा ताज़ा हरी प्याज मिल रही है। देखिए, मैंने इसे बारीक काट लिया, अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें मिर्च और अदरक का मैंने बारीक काट लिया। मैं इसे डालकर इसका पेस्ट बनाती हूँ बेसन डाल के। ये देख रही हूँ, बेसन डाल के पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। अब फिर हम इसमें अपना नमक, अजवाइन और हींग डालेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम पानी डाल डाल के थोड़ा सा इसका पतला पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। अब मैं इनको गैस मैंने थोड़ी मीडियम कर दी है। अब मैं इनको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेती हूँ और मेरी चाय भी बनकर तैयार है। और देखते हैं, पहले हम इन्हें सेकते हैं। देखिए, हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इन्हें सेकेंगे। इन्हें बस सेकने में थोड़ा टाइम लगता है ताकि ये कच्चे ना रहें। मैं देखिए बहुत आराम से इन्हें सेक रही हूँ। इन्हें सेकने में 1 से 2 मिनट तो लग जाता है। होता है सर्दियों में कि मन करता है चाय के साथ कुछ गरम गरम पकौड़े हो जाए, तो इन दिनों हरी प्याज बहुत मार्केट में मिल रही है, तो आज मैं उसके पकौड़े बना रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल हमें हल्के से ब्राउन करने, इन्हें जलाना नहीं है, इसलिए हमारी फ्लेम थोड़ी मीडियम है, हमने हाई नहीं की है, इसलिए इनमें इन्हें सेकने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो, देख सकते हो आप कितने आराम से सेक रहे हैं। चाय भी मेरी बन चुकी है। अब मैं इसे अपने बेटे को देने जा रही हूँ। चलो, मैं इन्हें अब इधर से भी पलट देती हूँ। ये देखिए, मेरे प्याज के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और मैंने चाय भी बनाई है उसके साथ। ये देखो, ये देखो है ना, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो पास से देखो, अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं ये, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसमें पकाया है। ये देखिए, अब मैं देने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खाकर बताना कैसे बने, और आप भी चाय के साथ, कॉफी के साथ इसे जरूर बनाना। हम फिर मिलते हैं एक इजी सी रेसिपी के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय दोस्तों।